सभी को नमस्कार। दोस्तों कुछ लोगों की कमेंट आ रही है कि सर आप जो दवाइयाँ डाल रहे हैं हमें बता रहे हैं उनका कुछ रिजल्ट भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है या ऐसे ही बता रहे हो। दोस्तों जब आप दवाई डाल रहे हैं उर्वरक डाल रहे हैं तो रिजल्ट तो आएगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप अपना गन्ना बोर्ड भी दिखाइए जो आपका अगेता बोया हुआ है तो उसका तो रिजल्ट बहुत अच्छा हुआ होगा जैसे कि आपने दवाई डाल चुके हैं। जी हाँ बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ है और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह की वीडियो देखने के लिए कृषि से संबंधित। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अपना गन्ना बोर्ड। तो ये है हमारा गन्ना बोर्ड जो अप्रैल का बोया हुआ है। कुछ लोग मार्च में भी बो देते हैं। देखिए मार्च का गन्ना और ज्यादा ताकतवर होता है अप्रैल के हिसाब से, लेकिन हमारा खेत खाली नहीं था इसलिए हमने अप्रैल में बोया था। तो ये देखिए अप्रैल का गन्ना हमारा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है हमारा गन्ना बोर्ड, इसकी आप ऊंचाई देखिए पहले। ये देखिए कितनी ऊंचाई है, लगभग 15-16 फीट इसकी ऊंचाई है, 15 फीट तो है कम से कम। ये देखिए आप, मैं आपको और अच्छे तरीके से दिखा देता हूँ। ये देखिए आप हमारे इस गन्ने की ऊंचाई देखिए, ये देखिए इसकी ऊंचाई 15 फीट कम से कम है। ज्यादा तो पता नहीं कितनी हो सकती है लेकिन कम से कम ये 15 फीट ऊंचाई है, आप नाप सकते हैं इसे। ये देखिए ये हमारा गन्ना बोर्ड है, इसमें हमने क्या क्या डाला आपको बता रखा है। उन वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। और गन्ने में हमने काफी मेहनत कर रखी है और मैंने एक एक बात रिसर्च करके बता रखी है। ऐसा नहीं है मैं किताबें पढ़ता हूँ और रिसर्च भी करता हूँ तब जाकर मैं कोई भी चीज बताता हूँ और आपको सस्ते में कोई भी दवाई प्रोवाइड करता हूँ, बताता हूँ और वही अपने खेत में डालता हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ बता दिया खुद कुछ डाल दिया, ऐसा नहीं है। मैंने पूरी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ जी जान से और आप लोगों की मदद भी करता हूँ। अगर आपका कोई और सवाल है, कुछ मुझसे बात करनी है तो व्हाट्सएप पर मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहां पर आप मुझे मैसेज कीजिए। पहले अपना परिचय दीजिए, आप परिचय नहीं देते हो, और अपने बारे में बताइए आपको क्या समस्या है वो बताइए, तब मैं आपसे बात करूंगा और आपको समझाऊंगा क्या क्या दिक्कत है। तो दोस्तों आप कमेंट में बताइए आपको हमारा गन्ना बोर्ड कैसा लगा। दोस्तों एक बात मैं बता दूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरा गन्ना बहुत अच्छा है, मैं ये कह रहा हूं मेरा गन्ना अच्छा है। मैं धन्यवाद करता हूं अपने पिताजी का कि उन्होंने मेरी हर एक बात मानी और जिस कारण हमारा गन्ना अच्छा हुआ और जो कुछ मैंने कहा वो उन्होंने माना। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि आप जो कह रहे हैं और आपके गार्जियन उस चीज को मान रहे हैं, ये भी आपके लिए बहुत बड़ी बात है। मैं धन्यवाद करता हूँ अपने पिताजी का। जी हाँ उनका भी बहुत बड़ा योगदान है इस ईंट को इतना ऊंचाई तक ले जाने में, लेकिन मैं किसी से कॉम्पिटिशन नहीं करता हूँ। दोस्तों मैं साफ साफ बता दूं, आप भी किसी से कॉम्पिटिशन मत कीजिए कि मुझे फला आदमी से अच्छा करना है, मुझे उससे अच्छा करना है और इसका अच्छा क्यों हो गया, ये बात मन में नहीं होनी चाहिए। क्यों? आपको अपना अच्छा देखना है, हमारा अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा है। कोई पूछ रहा है आपने क्या डाला है उसे बता दो, बस इतना करना है। आपको किसी से कभी जलना नहीं है, ये बात आप नोट कर लो। और मैं तो नोट करता हूँ, लोग जलो तो जलो, आपको नहीं जलना है किसी से भी। आपका गन्ना अच्छा, आपकी कोई भी फसल है अच्छी है, ठीक है, आपको दूसरे से नहीं जलना है, दूसरे को देख के नहीं करना है, खुद को देख के करना है। भाई हमारी फसल क्या खराब है, मुझे लगा मेरी फसल खराब है 50 क्विंटल प्रति के हिसाब से निकलता है तो मुझे लगा मुझे इसमें बढ़ोतरी करनी चाहिए, इसलिए मैंने बहुत सारी बुक पढ़ी, रिसर्च किया, सलाह ली बड़े बड़े विशेषज्ञों की, तब जाकर आज ये इतना अच्छा काम हो रखा है। और मैं ये नहीं कहता कि ये सबसे अच्छा है, नहीं, लेकिन अच्छा है। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।